भारत ने दुनिया के देशों को हैरान करते हुए एक बड़ा काम कर दिखा दिया है, जिससे अब चीन भी इस मामले में छोटा होता हुआ दिखाई देगा। दरअसल भारत को मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक मिल चुका है। प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेटरस का उद्घाटन किया। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक यानी कि नेटरस की लंबाई 11.3 किलोमीटर की है। ओवल शेप का यह नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है और दावा किया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा टेस्ट ट्रैक है। और इस ट्रैक की मदद से यहाँ वाहनों की टेस्टिंग और आसान हो सकेगी। गाड़ी की परफॉर्मेंस, चलाने में आसानी और मजबूती को आसानी से देख पाएंगे। अब ये सुविधा भारत आ चुकी है, तो इसके लिए अब वाहनों की टेस्टिंग के लिए इन्हें विदेश नहीं भेजना होगा। इसकी टेस्टिंग अब भारत में आसानी से हो सकेगी। विदेश से आने वाले वाहनों का भी टेस्ट अब यहाँ किया जा सकेगा। और पहले हमें इसी टेस्टिंग के लिए अपने वाहनों को विदेश भेजना पड़ता था, पर अब आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के अंतर्गत इसको और आसान कर दिया गया है। और यहाँ पर इस ट्रैक में सीधे रास्ते पर जो स्पीड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। और वहीं घुमावदार ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूट्रल स्पीड और अधिकतम 375 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से तैयार किया गया है। और यहां हम आपको बता दें कि ट्रैक पर होने वाली टेस्टिंग में मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन, तेल की खपत, हाई स्पीड पर हैंडलिंग करना जैसी चीज़ें शामिल हैं। इस ट्रैक को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है, चाहे वो मिलिट्री ट्रक हो, पैसेंजर ट्रक हो या फिर कमर्शियल ट्रक ही क्यों ना हो। इसे वाहन लॉन्चिंग, सुपर कार रेसिंग और डीलरों के प्रोग्राम के लिए भी ओपन किया गया है। बताया गया है कि यहाँ पे फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट्स, लैम्बोर्गिनी, FCA जैसी कंपनियां अपने वाहनों की टेस्टिंग अब यहीं करवाने के बारे में विचार कर रही हैं। और ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। और अब देखा जाए तो भारत के ऑटो मेकर्स को अपनी कारों की टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अब आत्मनिर्भर भारत अपनी रफ्तार पकड़ चुका है।